स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को सैमसंग और एप्पल समेत नामी कंपनी से 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। प्रस्ताव सौंपते ही इन कंपनीज ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठा दी। इस मांग को देखकर सरकार के फैसला करने से पहले यूपी ने अपने यहां रियल एस्टेट की इस बरसों पुरानी मांग को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। देश के आर्थिक तौर पर मजबूत राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन अब ये राज्य बदल गया है। मसला चाहे चीन से आने वाली कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का हो या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सिंगल विंडो क्लियरेंस ना होने की शिकायत, यूपी अब रेस में दौड़ना सीख गया है। देश विदेश की आने वाली कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस तो केंद्र सरकार के हाथ की बात है, लेकिन राज्यों के विषय में शुमार रियल एस्टेट के मामले में यूपी के सीएम योगी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने की पहल कर दी है। बरसों बरस से इसकी मांग करने वाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी ने रियल एस्टेट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की पॉलिसी लेके आए हैं, जो एक बहुत अच्छी मूव है। इससे डेवलपर्स को जहां अलग अलग अप्रूवल लेने में एक साल से ज्यादा का समय लग जाता था, वो आज एक बार में मिलेंगे। इससे ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार होंगे, कस्टमर्स को भी जल्दी परमिशन मिल जाया करेगा प्रोजेक्ट का। इस सिस्टम के लागू होते ही घरों के पजेशन में लगने वाला वक्त और उनकी कीमत में भारी कमी हो सकती है। कोरोना काल में तो ये वाकई बिक्री के लिए तरसते रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चमत्कार साबित हो सकता है। फिलहाल किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 70 से 80 अलग अलग विभागों से मंजूरी लेनी होती है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 साल का वक्त लगता है, खर्चा होता है और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से एक ही जगह से प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी मंजूरियां मिल जाएंगी। इससे मंजूरियों का वक्त घटकर 2 से 3 महीने रह जाने का अनुमान है। इस सिस्टम को बनाने के लिए यूपी रेरा ने पिछले हफ्ते सलाहकारों को चुनने के लिए बोलियां मंगाई हैं। सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे प्रोजेक्ट बनाना एक बेहद आसान काम हो जाएगा।